हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। आज जो है तुम लोगों को मैं बता दूं कि अभी सो के उठ रहा हूँ। अभी सुबह के बल्कि शाम के 4 बज रहे हैं। कल मैं रात को 8:30 बजे सोया था और अभी उठते उठते मुझे 4 बज गए हैं। अभी नाश्ता करना है, नाश्ते के बाद बहुत काम पड़े हैं भाई, दूध लाना है। उसके अलावा मैंने अपने मतलब पढ़ाना भी है मैंने एक दो बच्चों को, तो थोड़ा मसरूफ दिन गुजरेगा। तो चलो, आज मुझे याद आया कि आहमद को जो हमारे पिछले व्लॉग में वो जो जीते थे उनको रिवॉर्ड भी देना है, गिफ्ट भी देना है। तो देखते हैं आज क्या प्लान बनता है। नाश्ता करके मैं आप लोगों से मिलता हूँ। और व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, और साथ साथ आप शेयर भी कर देना जितने लोगों को आप कर सकते हो। बूम, तो फाइनली नहा के मैं फ्रेश हो गया हूँ और बहुत लंबा ब्रेक ले लिया है। अभी 10 बज चुके हैं और सोच रहा हूँ कि ये मैंने एक परफ्यूम जो था ये मैंने बाय कर लिया था जे डॉट से, तो इसकी क्यों ना अनबॉक्सिंग कर दी जाए। उसको मैंने खुद खोल के नहीं लिखा कि इसके अंदर क्या है कैसा है, तो अभी चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। शटर बटर लगाते हैं पहले अनबॉक्सिंग का, फिर चलो। सेटअप हो गया है और ये जो परफ्यूम है ये मैंने बाय किया था जब मेरे पेपर्स हो रहे थे, मतलब जो ये 2 महीनों का गैप था इसको मैंने बाय किया था। और इस परफ्यूम की प्राइस अभी मुझे याद नहीं है, मैं आपको बताता हूँ जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो उस वक्त बता दूँगा मैं। तो इसको कट कर लेते हैं कि प्राइस है 6500 पाकिस्तानी रुपीज़ में, इसकी प्राइस है 6500। इसको मैं तो कहता हूँ यहाँ से कट करते हैं, थोड़ा गलत कट कर रहा हूँ मैं। इसको हम कट करते हैं कहाँ से, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। ओहो, अगर इसके बॉक्स की बात की जाए तो इसके बॉक्स के ऊपर थोड़ा ये फोन पता नहीं कुछ अलग ही टाइप का सरफेस है जिसको इन्होंने डिज़ाइन किया है। मैं आपको थोड़ा करीब से आके दिखाता हूँ। देखो, इसके यहाँ पर जो है कोई अजीब सरफेस कुछ डिज़ाइन किया हुआ इन्होंने। इधर लिखा हुआ है फ्रेगनेंस ऑफ वॉर और यहाँ पर बीच में लैंड भी बना हुआ है। मैं अगर आपको और करीब से आके दिखाऊँ, अगर
तो यहाँ पर ये लाइन भी बना हुआ है साथ में, इसका नाम है डिफेंडर परफ्यूम। इसको ज़्यादातर जे डॉट का डिफेंडर परफ्यूम कहा जाता है। अगर इसकी बैक साइड की बात कर लें तो यहाँ पर जे डॉट फ्रेगनेंसिस लिखा हुआ हमें मिल रहा है, और बाद में नीचे इसके इंग्रेडिएंट्स भी हैं, प्रिकॉशंस भी हैं, और फ्लेमेबल, कीप अवे फ्रॉम हर्ट ऑफ फ्लेम, और सारा हर्ट और फ्लेम से दूर रखे इन्होंने। सारे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं, कितने मिलीलीटर है, और इसी कॉन्स में भी करके लिखा हुआ है। तो इसके अगर हम बॉक्स की बात करें तो इसका बॉक्स ज़बरदस्त बना हुआ है। इसकी क्वालिटी जो है, बॉक्स की क्वालिटी वो भी अच्छी है। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसके ओपन करने का अगर हम तरीका देखें तो इसके ओपन करने का तरीका भी अलग है। ये जस्ट लाइक दिस ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, और साथ में हमें ये एक मेडिसिन सी भी दी हुई है जो कि बायोकेमिकल ड्राइड, इसको मतलब ये एक हमारे एक टाइप का पॉइजनस है हमारे लिए, तो इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद हमें परफ्यूम देखने को मिल जाता है, आपको मैं ज़रा करीब करके दिखा देता हूँ इसको। इसके ऊपर भी आप देखिए ज़रा गौर से तो लाइन बना हुआ है, इसके ऊपर भी लाइन बना हुआ है, और साथ में ये शॉर्ट्स वगैरह भी हैं। इसके अगर हम ऊपर वाली जगह की बात करें तो यहाँ पर और करीब से दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जे डॉट लिखा हुआ है, जे डॉट जुनेद जमशेद, और ये लाइन का पंजा बनाया हुआ है, और पीछे इन लोगों ने ये लाइन डिज़ाइन किया हुआ है इसके पीछे भी, और जो इसका नाम है फ्रेगनेंस ऑफ वॉर पीछे वही लिखा हुआ है। और जिस तरह का बाहर बॉक्स के ऊपर सरफेस है उस तरह डिज़ाइन इन्होंने अपने परफ्यूम के बैग पे भी दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं क्वालिटी ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी। बॉक्स के अगर अंदर की बात करें तो अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ हमें परफ्यूम ही देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस तरह पड़ा हुआ था अपनी पोजीशन पे। ये परफ्यूम अपनी जगह पे ऐसे पड़ा हुआ था, और देख सकते हैं कितनी अच्छी इन्होंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की हुई है। और अगर मैं आपको इसका फ्रंट दिखा दूँ और करीब से, ये देखो कितना अच्छे ने डिज़ाइन किया हुआ इसको। अगर तो इसकी फ्रेगनेंस की बात की जाए, इसको मैंने अभी पर्सनली देखा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टाइट किस्म का नहीं तो इसका सरफेस है जिसके अंदर इसको हमने डाला हुआ है, और इट इज़ लॉक्ड अप नाउ। बहुत ज़्यादा अंदर से हार्ड है ये, बहुत मुश्किल से बाहर आया वैसे। नाइस, इसकी फ्रेगनेंस अच्छी है एज कम्पेयर टू दैट जो मैंने पिछले दिनों अनबॉक्स किया था। आई थिंक सो वो था, मेरे ख्याल से जो हमने पहले अनबॉक्स किया है वो था वसीम अकरम का, शायद 506 या 605 जो भी था, लेकिन मैं बताऊं तो उससे ये बेहतर है, उससे ज़्यादा अच्छा है। और जो कल वाला परफ्यूम है जो जिसको हम कल अनबॉक्स करेंगे वो इससे भी ज़्यादा अच्छा है, उसकी फ्रेगनेंस दोनों से ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप लेना है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये भी ले लो 5000 की रेंज के अंदर, तो आपके लिए ये वाला परफ्यूम भी बेस्ट है। और जो दूसरे वाला है वो मेरे ख्याल से कुछ 8200 का है, और अगर आप डिस्काउंट के साथ लेते हो तो ये आपको पड़ जाएगा 6970 का। मतलब अगर आपने 5000 से 7000 की रेंज के अंदर कोई परफ्यूम बाय करना है तो आप इन दोनों को बाय कर सकते हो, वो भी डिस्काउंट, इट इज़ डिस्काउंटेड प्राइस। इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो ये सबसे ऊपर वाला नाम है, ये रहा जे डॉट डिफेंडर मेंस फ्रेगनेंसेस, तो इसकी प्राइस है 6500। और जब मैंने बाय किया था तो इसके ऊपर 15% डिस्काउंट था, तो ये था 5525। देख सकते हो 25 जून को हमने इसको बाय किया है, और साथ में इसका नीचे वाला परफ्यूम भी है जिसका नाम है शेर दिल, इसको भी बहुत जल्द करने वाले हैं अनबॉक्स, इंशाल्लाह कल इसको अनबॉक्सिंग करेंगे।
मिलते हैं आपसे फिर अपने अगले व्लॉग में। लाइक और सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक और बात, नॉइस पोल्यूशन जो आएगी इस वीडियो के अंदर उसको माइंड करना, क्योंकि आसपास जो है बच्चे खेलने इधर उधर, तो कोशिश करूँगा कि मैं नॉइस को कर दूँ, मतलब ख़त्म कर दूँ वीडियोस के अंदर से, लेकिन अगर हो तो माइंड करना। और एक और बात ये कि हमने अहमद का गिफ्ट की बात की थी, लेकिन मैं भूल गया पूरे व्लॉग के अंदर, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन दे देंगे इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग के अंदर। It's not a game, sir.